छोड़ दिया और पहले पहुंचने वाले में से थे। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। हाँ मैं जरा एक सवाल, एक सवाल अतुल गोयल जी को, अतुल गोयल जी को, अतुल गोयल जी, ये दीपक बाबरिया इतना पावरफुल कैसे हो गए कांग्रेस में, जरा ये बताया जाओ। देखिए मैं कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, मैं कोई ज्ञान देने वाला नहीं हूं उसके ऊपर, बट समस्या सिर्फ इतनी है जो पार्टियां डेमोक्रेसी के नाम पे दफली बजाती हैं और उनके उन पार्टियों के अंदर इनर पार्टी डेमोक्रेसी या इनर पार्टी कंसल्टेशन के मैकेनिज्म के ऊपर जीरो है, और वो डेमोक्रेसी किस तरह से लेकर आएंगे पब्लिक के लिए, क्या काम करेंगे, अगर ये संदर्भ में दिखाई दे रहा है कि एक छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर भी उनमें सलाह मशवरा नहीं है आपस में, तो आप सोच सकते हैं अगर वहां पे कैंडिडेट्स चूज करके आ जाएंगे तो वो पार्लियामेंट में या असेंबली के अंदर जाकर क्या करेंगे, उनकी तो अपनी इंडिविजुअल विचारधारा खत्म हो गई, गोल हो गई, और पब्लिक की क्या बात करेंगे, वो तो सिर्फ पार्टी पार्टी लीडरशिप की बात करेंगे। सबसे बड़ी समस्या इस समय डेमोक्रेसी के अंदर और जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे बीच में इस समय है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है हमारे पब्लिक के बीच में कि पॉलिटिकल पार्टीज या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हमारी बात हमारे वोट से जीत कर जाते हैं, वो हमारी बात ना करके अपनी पार्टी के बोसिस की बात करते हैं कि भी वोट को क्या चाहिए। ये बीजेपी में भी हो रहा है, ये कांग्रेस में भी हो रहा है, हर एक पार्टी में ये खेल हो रहा है और पब्लिक अच्छा, और पब्लिक इतनी पिट रही है। अच्छा अब एक बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता हमारे बोलू क्या, कद्दावर नेता बोलना शुरू कर दूं कर्नल साहब, कि बीजेपी के कद्दावर नेता, हालांकि आप बीजेपी के पचटकिया दशटकिया भी मेंबर नहीं है, लेकिन आप मुझे मालूम है आप मुंह खोलेंगे तो बस भाजपा 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 ही बोलेंगे, भयंकर भक्त है आप, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये बात जो है कांग्रेस पार्टी में, तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी है साहब, लोग इस्तीफा देते हैं, नाराजगी जताते हैं, बाहर आते हैं, खुल के बोलते हैं, आपके यहां तो टिकट नहीं मिलता है, चूस शब्द नहीं कोई बोल रहा है, डर इतना है, इतना खौफ है कि एक से एक संतोष गंगवार का टिकट कट गया, कद्दावर नेता है संतोष गंगवार, उनका टिकट कट गया, दिल्ली से डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट कट गया, मीनाक्षी लेखी का टिकट कट गया, एक डॉक्टर हर्षवर्धन ने तो चलिए एक सोशल मीडिया पे अपना थोड़ा सा गुस्सा दिखाया भी, बाकी लोगों ने तो साहब एक लाइन नहीं बोला, एक लाइन नहीं बोला, इसका मतलब है कि सात में से छह का टिकट कट गया, सात में से छह टिकट कट गया, बताइए साहब, तो कांग्रेस तो इसका मतलब रियल डेमोक्रेटिक पार्टी है साहब, मुझे ऐसा लगता है। पहले मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूं, जैसे आपने कहा था पांच टकिया क्या दो टकिया का भी मेंबर नहीं हूं। मेरे विचार जो आइडियोलॉजी और डिसिप्लिन में जो पार्टी रहता है, सही काम करता है, लोगों का भला करता है, उसके पक्ष में मेरा व्यू जरूर निश्चित तौर से मिलेगा। हाँ, अभी आपने कहा कि भाई डेमोक्रेसी है कांग्रेस में, काहे का डेमोक्रेसी, इस्तीफा देने के बाद तो कोई भी कुछ भी बात कर सकता है, आप पार्टी का मेंबर रहिए, पदाधिकारी रहिए, तब उनके खिलाफ बोलिए तो समझूंगा कि डेमोक्रेसी है। पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, प्रेसिडेंट पद से शायद इस्तीफा दिया है, पार्टी से तो इस्तीफा नहीं दिया, वो धीरे धीरे वो पार्टी से भी इस्तीफा दे देंगे, जैसे पहले वो बीजेपी में आ गए थे। देखिए अभी रणभूमि में युद्ध चल रहा है और युद्ध के दौरान जब आपके जनरल ही मैदान छोड़कर भाग जाए तो वो क्या आप युद्ध जीतोगे, युद्ध का परिणाम तो तय हो गया, सैनिक भी भाग रहे हैं और जनरल भी भाग रहे हैं, तो आपका पूरा रहता रनिंग अमॉक हो गया आपके सेनाएं में, इसीलिए मैं कहता हूं अगर वोटिंग प्रतिशत गिर भी गया तो भी कांग्रेस नष्ट नाबूद हो जाएगा, क्योंकि हर जगह उसके जनरल रणभूमि छोड़ के भाग रहे हैं और ये हमें दिखाई दे रहा है। आप देखिए कांग्रेस अच्छा वो भाग रहे हैं या भगवा रहा है, अभी इंदौर में बताइए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उन कांग्रेस का उम्मीदवार ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया, नहीं बीजेपी भी काम कर रही है क्या पीछे से, देखिए उन्हें ग्राउंड की स्थिति समझ में आ रही है, परिणाम की स्थिति भी समझ में आ रही है,
मतलब आप ये कह रहे हैं कि राजकुमार चौहान को, अरविंदर सिंह लवली को, संदीप दीक्षित को ग्राउंड की स्थिति मालूम है, उनको पता चल रहा है कि कांग्रेस कहीं नहीं टिकने वाली है और ये सारा मामला आम आदमी पार्टी को जाएगा और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कांग्रेस के समर्थन का एक प्रकार से लाभ ले लेगी। और ये कांग्रेस के ये सारे नेता बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है और एकदम मैदान के, पॉलिटिकल मैदान के बड़मजे हुए खिलाड़ी हैं, तो उनको मालूम है कि आम आदमी पार्टी एक्सप्लॉइट कर रही है कांग्रेस को, उनका क्रेडेंशियल, क्योंकि आम आदमी पार्टी सत्ता में है 10 वर्ष से, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उनके झूठ का, उनके फ्रॉड का सब कुछ चल रहा है, वो खुद जेल में है। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस की थोड़ी बहुत जो क्रेडिबिलिटी है उसको भी वो अपने पक्ष में भुना रहे हैं। तो ये जो चाल है, ये आपको लगता है ना कि ये जो इस्तीफा दिया है उन्होंने सही दिया है इस्तीफा? ये इस्तीफा उन्होंने एकदम सही दिया है क्योंकि वो समझते हैं कि सबसे ज्यादा जो नुकसान कांग्रेस पार्टी को किया है वो बीजेपी ने नहीं, आम आदमी पार्टी ने किया है। 2 राज्यों में कांग्रेस को पूरा खत्म कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। कांग्रेस के नेता ये तो कांग्रेस को हर एक सीट का अपना कैंडिडेट खड़ा कर देना चाहिए निश्चित तौर से। देखिए क्या होता है जब आप गठबंधन करते हैं और कुछ सीटें छोड़ देते हैं तो उस सीट से आपके मतदाता अलग हो जाते हैं आपसे। ये कांग्रेस को तय करना चाहिए कि भले वो कमजोर है लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी उनसे ज्यादा कमजोर थी केजरीवाल साहब के जेल में जाने के बाद। केजरीवाल साहब और आम आदमी की पार्टी जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, तल्ख टिप्पणी की है, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत खत्म हो गई है लगभग। और बहुत बढ़िया बात है, जरा मैं टॉस कर देता हूँ, एक मिनट रुकिए, इंटरेस्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा टॉस कर देते हैं। अजीत जी, गन्ने की कड़ी बुनियाद जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।